마인드로 기반 지지고 미리 스프레이트 지지. 아, 지금 이제 에너지 최근에 사실 아마리 비 나갔어요. 스프레이트가 아, 미용이 사실. मैं सारा निवेदन करना चाहती हूँ प्रधान से अच्छा रहा तो अपने श्री संजय सिंह जी उपस्थित माननीय मंत्री उपस्थित माननीय विधायक श्री राजेश उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वाह, उनको एक ऑफिस के लिए हम लोग को टाउन से बनाना है और उनको एक आप तमाम लोगों के लिए आइए इसी से संबंधित इरोट का बटन दबाकर ये सौगात आज झारखंड वासियों को चकाचक सड़कें सुगम व्यवस्था और फर्राटे पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत सोनाहातू नीलक चौक का राइडिंग क्वालिटी में सुधार आज चाहे साफ सफाई को लेकर हो चाहे आवागमन को लेकर के हो अपने गली मोहल्ले का विषय का बात हो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सब मिलकर के सभी की सहभागिता से चीजें सुधार सकते हैं। ये पुल बना है, इस पुल में भी कई लोगों का छोटा बड़ा योगदान रहा है और हम चाहेंगे कि ये पुल हमेशा के लिए आप लोगों के सेवा में रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके बीच में लगे खंभे स्ट्रीट लाइटें उनमें कई जगह पर चोरी चमारी होने लगती हैं, लोग बेवजह जगहों पर इंक्रोच करने लगते हैं, बेवजह सरकार की संपत्तियों को भी नुकसान करने लगते हैं। सरकार की संपत्ति विशुद्ध रूप से जनता की संपत्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इस कदर कर दें कि फिर वो किसी काम के लायक ना रहे। इसीलिए ये जरूरी है और हम हर इस राज्य में अभी आप लोगों ने देखा कि रांची शहर में ही कई फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर आने वाला समय में 5 किलोमीटर से अधिक का होने जा रहा है। अभी एक ऐसा पुल हम लोग बना रहे हैं जो यहां सिरमटोली चौक के ऊपर जो बन रहा है वो मुझे लग रहा है कि देश के इतिहास में रेलवे क्रॉसिंग में इस तरीके के फ्लाईओवर आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनौती भरा, लेकिन ये सारे कार्य अब ये पुल आप देख रहे हैं मात्र 2 साल या 2.25 साल के अंदर बना है और मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये सिरमटोली रेलवे क्रॉसिंग भी आपके सेवा में आ जाएगा और 1.5 साल के अंदर ये दोनों फ्लाईओवर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और जो मेकन में चढ़ेगा वो सीधा काटा टोली के पार जाएगा और जिसको बीच में उतरना है उसके लिए भी व्यवस्था होगी। तो हर एक आम नागरिकों की सुविधा अनुसार और आने वाले एक लंबे समय के सोच के हिसाब से और काफी प्रयास के उपरांत ये योजनाएं धरातल पे उतरी। आज धनबाद हो, रामगढ़ हो, जमशेदपुर हो, कई जगहों पर अभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं लेकिन समय के अभाव में हम लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और यही कम छोटे छोटे समय को सदुपयोग में बदलें और आम लोग भी इसमें सहयोग करें।